हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइज, आपको पता ही होगा मैं काफ़ी टाइम बाद न्यू ब्लॉग बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, मेरे जो रूम की हालत आप देख रहे हो, आज मैं आपको अपना रूम सही से दिखाता हूँ कि कैसा है। और मैं जो है इस रूम को ऑलमोस्ट पूरा जो है न्यू लुक देने वाला हूँ। तो अपने सेटअप को अपग्रेड करने वाला हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं जो है चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को इससे पहले दिखा दूँ ये कैसा है, ताकि जो है जब ये चेंज हो तो फिर मेरे को एक ये वीडियो भी बनी रह जाएगी और साथ में जो है आप लोगों को भी पता रहेगा कि हाँ भाई कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आया है। मस्त प्लानिंग। अब यहाँ पे दोस्तों भाई काफ़ी टाइम से वीडियो ठीक से नहीं आ रही है और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही है। सबसे मेन चीज़ है भाई, अपने चैनल पर जो हुई करती थी, तो अभी जो है अपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वापस से गौरव रॉबिस्ट पे। लेकिन एक तो भाई ये गेम बैन है यार बीजीएमआई, आपको पता है कितने दिन से। और फिर दूसरा यहाँ पे ये है कि मेरे को अपने रूम का काम कराना था। मैं सोच रहा था एक बार रूम का काम ना परफेक्ट हो जाए, फिर लाइव स्ट्रीम करने में जो मज़ा आएगा, बस फिर बस वही चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे दोस्तों जो है अब ये चीज़ होने वाली है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा रूम दिखाता हूँ। तो गाइज ये है हमारा रूम, ठीक है। आप अच्छे से देखो, ऊपर की हालत देखो एक बार। यहाँ पे दोस्तों ये जो रूम हमारा टेम्प्रेरी था, ठीक है, इसको जो है हमने रेंट वेंट पे दे रखा था, तो फिर इसको मैंने अपना पहले स्टूडियो के ऐसे पर्पस के लिए यूज़ किया। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम इस रूम में क्या है कि ये जो आप मेरा सेटअप देख रहे हो, ठीक है, और अभी तो मैं आपको ढंग से पूरा सेटअप नहीं दिखा रहा हूँ, जब तैयार होगा तब दिखाऊंगा। और एक बहुत ज़्यादा मैसअप हो रहा है, आप देख रहे होंगे, गंदा वंदा पूरा रूम हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे गद्दे वद्दे हैं, चारपाई, यहाँ पे कपड़े टक रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि इस रूम में अभी जो है मेरे जीजाजी रहते हैं, ठीक है। मतलब पहले जो इस रूम में अभी कोई नहीं रहता, मेरे जीजाजी रात को सोते हैं इसमें, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो हमारे पास रुके हुए हैं तो वो रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा गंदा है। अदरवाइज़ ऐसे कपड़े वपड़े ये सब फैला नहीं रहता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो रूम आप देख रहे हो, इसमें जो है आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये जो डब्बे वब्बे से लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एमसीबी बॉक्स है, ठीक है, ये स्टेबलाइजर है, ये तारे जा रही है, ओपन फिटिंग है, जितनी कितनी सारी वायर जा रही है, ठीक है। और इस साइड में भी ऐसी है, ठीक है। तो और आप एक चीज़ और नोटिस करना कि यहाँ पे दोस्तों ये जो है ऊपर वाला जो लुक है ना, ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों इस कमरे की ना लाइटिंग भी अच्छी नहीं है। तो मैं लाइटिंग भी अपनी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है मैंने आप लोगों को शायद कभी दिखाया नहीं है ढंग से, लेकिन आप देखो भाई ये मेरा स्टोर रूम, ठीक है। हालांकि किचन हुआ करता था लेकिन मैंने इसको अपना स्टोर रूम बना दिया था। और आप देख सकते हो भाई यहाँ डब्बे डब्बे पड़े हैं अनबॉक्सिंग वगैरह के, जो मैं सामान वामान यूज़ करता हूँ, और मेरी एक लाइट भी पड़ी है पुरानी वाली। तो भाई पूरा जो है इस रूम का हम लुक चेंज करेंगे और वापस से अपना टेबल जो है मैं यहाँ रखूँगा, जो कि मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा मेरा टेबल यहाँ हुआ करता था। तो अभी जो है इस रूम में काम स्टार्ट होने वाला है। और भाई मुझे ये जो सारा टेबल पे आप देख रहे हो सामान, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो रूम है खाली होगा, फिर जो है ऊपर का काम होगा, ठीक है, सीलिंग का, और फिर जो है वॉल पर भी काम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। और भाई मैं जो है काफ़ी सारे सामान भी मंगा रहा हूँ अमेजोन वगैरह से, जो मेरे को अपने टेबल पर लगाने हैं, वॉल पर लगाना है। और इस रूम में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करने वाला हूँ। हालांकि ये सारे जो प्लान थे ना वो बहुत पहले के थे, जब कोविड आया था, आप लोगों को याद होगा। तो फिर कोविड गया, उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा मैं अपने चैनल पे ध्यान लग गया, चैनल हैक हो गया था भाई, आपको पता है भाई मेन चैनल। तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था बीच में, इसलिए गाइस ये सब नहीं कर पाया। लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आपको व्लॉग भी जो है रेगुलर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई यार जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, जो कि मेरे मेन चैनल से आ गया मतलब टेक्निकल सपोर्ट पर्पज से, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपको अब जो है रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं इस चैनल पर व्लॉगिंग के थ्रू। और मैं जो आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल भी दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। बस एक बार ये रूम का काम कंप्लीट हो जाए, फिर अपनी लाइव स्ट्रीम भी पक्का होगी और GTA 5, माइनक्राफ्ट, अलग अलग टाइप के गेम भी मैं खेलने वाला हूँ। A few moments later. तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो काम है ना वो शायद आज ही स्टार्ट होगा, और आज संडे है तो भाई मेरे को लगता है कि जब तक जो है मतलब लेबर वगैरह आती है, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को जितना भी आप पीछे सारा सामान देख रहे हो, मुझे कमरा खाली करना पड़ेगा। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को अपनी वीडियो भी तैयार करनी है, क्योंकि भाई मैंने अभी तक वॉइस ओवर नहीं करा है और मुझे आज वीडियो डालनी है, क्योंकि शाम को मैच भी आपको पता है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, तो वो भी इंजॉय करना है। तो भाई मुझे वीडियो भी करनी है और फिर एडिटिंग भी करनी है, और उसके बाद जो है अगर इस कमरे का काम होता है तो मुझे इसकी साफ सफाई भी करनी है, मतलब इसको खाली करना है। तो फटाफट से जो है अपनी सबसे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। Two hours later. तो गाइस फाइनली मैंने जो अपना वॉइस ओवर कर लिया है, और भाई वॉइस ओवर करने के साथ साथ मैंने जो अपना थंबनेल भी रेडी कर लिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये मैंने देखो थंबनेल भी बना लिया है, और भाई ये वाली जो वीडियो है आपको पहले देखने को मिलेगी मेन चैनल पे, क्योंकि भाई पहले मेन चैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उस पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी आज संडे को ही। और अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है मैं नहाने जाऊंगा, क्योंकि भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले क्यों नहीं नहाया, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ ना तो AC एकदम लो पे होता है, फैन बंद होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है पूरा पसीना वसीना हो जाता है, और उसका दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है अब मैंने वॉइस ओवर कर लिया, मैं जाता हूँ वही फटाफट से फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, ठीक है, और उसके दोस्तों आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी तो हो चुका हूँ और मैं अभी जो है खेल रहा था थोड़ी देर कुन्नू के साथ में, क्योंकि मैं दिन भर में इसके साथ थोड़ी देर खेलता ही खेलता हूँ। टकलू मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अले खाची हो गई। तो भाई इसके साथ खेल के सारे टेंशन सबको दूर हो जाता है, मतलब यार छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, शक्ल देखो एक बार, शक्ल देखो। और अभी ये खाना खा रही है, मैं तो खाना खा चुका हूँ और मेरे पास अभी काफ़ी कम टाइम है क्योंकि मुझे ऊपर जाना है, एडिटिंग करनी है और फिर सारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं नीचे। तो चलो भाई फटाफट से ऊपर चलते हैं और वो काम करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं जो ऊपर आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि भाई देखो कब इलेक्ट्रिशियन वाला आ जाएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उससे बात करते वो कहता है 1-1.5 घंटा मुझे और लगेगा। तो मेरे को ये रूम तो खाली करना है, ठीक है, वो आके आज काम करे या ना करे, क्योंकि मंडे से मेरे भाई सीलिंग वाले बंदे को मेरा रूम खाली चाहिए, क्योंकि वो वॉल पे भी काम करेगा, वो सीलिंग पे भी काम करेगा। और पहले मैं चाहता हूँ ये अंडरग्राउंड फिटिंग हो, ठीक है, मतलब ये जो आप देख रहे थे ना पीछे बॉक्सेस वगैरह, तो वो पूरे होने ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली अब मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि भाई मेरा इलेक्ट्रिशियन टाइम पे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो वो अभी देखते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा इस व्लॉग में कि वो अभी जल्दी आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो मेरे को एडिटिंग खत्म कर रही है ताकि मैं जो है वीडियो अपलोड करके अपना सारा काम खत्म कर सकूँ, लेकिन अगर उसके बीच में वो आता है तो भाई मुझे सामान नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर बाकी एडिटिंग मैं नीचे करूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, फिलहाल जो है फटाफट से एडिटिंग शुरू करते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको एडिटिंग के बाद। तो फाइनली गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और भाई अब जाके मेरी एडिटिंग पूरी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो मैंने रेंडर पर लगा दी है और भाई करते करते 7 बज गए और आंखों की ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है यार, मतलब पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि पहले चश्मा वगैरह लगा नहीं था तो ये आंखों में ना रेडनेस वगैरह हो जाती है, मतलब बहुत परेशानी होती है भाई। जब आप एडिटिंग करोगे तो आपको पता होगा, जो भी एडिटिंग करता है उसको पता होगा, वो रिलेट कर सकता है। तो काफ़ी टाइम लगता है भाई एडिटिंग में, तो एडिटिंग तो हो गई है, अब बारी है भाई शिफ्टिंग की। लेकिन भाई अब 7 बज गए तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी देखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना बैटिंग देख लेते हैं, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो भाई इंडिया की बैटिंग तो मैं जरूर देखूंगा, ठीक है, तो मुझे वो मैच में इंडिया की बैटिंग जरूर देखनी है। तो चेक कर लेता हूँ मैं जाके कि किसकी बैटिंग क्या है और उसके बाद जो है सामान की शिफ्टिंग करेंगे और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं जो है ना अपना पीसी हटाऊंगा और उससे पहले पहले जो है मतलब बाकी रूम में आप गद्दे, ये जो इतने भी आप चारपाई कपड़े और उस पर्दे के पीछे जितना भी सारा सामान है वो सब जो है हम जब तक हटा देंगे, ठीक है, और पीसी को एंड में शिफ्ट करूंगा और कहाँ करूंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ बस। तो भाई टॉस पाकिस्तान जीत चुका है और उन्होंने जो है पहले बॉलिंग चूज की है, तो भाई इंडिया की बैटिंग है वो तो देखनी बनती है। तो मैं जो है पहले इंडिया की बैटिंग देखूंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बताऊंगा कि उन्होंने कैसा खेला, क्या लगा, जो भी मेरे को बैटिंग लगेगी। और पीछे भाई इसको देखो, ये अपना ही खेलने में लगी रहती है, टकलू टकलू अपना ही खेलने में लगी रहती है, क्या कर ली है, क्या कर ली है, मैं कौन हूँ बताओ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कौन हूँ, मैं कौन हूँ बताओ, मैं चाचा हूँ, चाची हूँ, मैं कौन हूँ, अब बताएगी नहीं, देखो अभी कैमरे के आगे ना बता नहीं रही है, बहुत शैतान हो गई अभी। तो गाइस काफी कमाल का मैच था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई लास्ट में तो बिश्नोई ने आके 2 चौके लगा दिए और भाई कोहली की हाफ सेंचुरी, मतलब भाई मजा आ गया, क्योंकि कोहली जब भी रन मारता है तो भाई मजा ही आता है। अब फिलहाल दोस्तों मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान की बैटिंग के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हाँ हालांकि देखेंगे जरूर जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो है फिलहाल मैंने जो है ये वाला आप टेबल देख रहे हो ये सिलेक्ट किया है भाई, इस पे मैं जो अपना वी पीसी रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई वो तो बहुत बड़ा है जो मेरा ऊपर वाला आपने देखा होगा टेबल, तो मैं अभी जो है यही करने वाला हूँ कि इस टेबल पे जो अपना पीसी रखने वाला हूँ, लेकिन इस रूम में नहीं रखूंगा। अरे भाई जा, लेकिन इस रूम में नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा किसी और रूम में, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस इस टेबल को हम यहाँ रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और भाई मेरा साउंड इको कर रहा होगा क्योंकि ये पूरा खाली है अभी, तो इसको हम रेंट पे देते हैं वैसे रूम को, लेकिन ये वाला जो रूम है वो हम रेंट पे नहीं देते हैं। तो भाई ये सारा सामान जो है आप टेबल के ऊपर देख रहे हो ये ले जाना है, और सबसे मुश्किल आएगी भाई इसको ले जाने में, मतलब ये भारी है कि नहीं, मैंने उठा के कभी देख नहीं, ध्यान नहीं दिया, नहीं ले जाऊंगा, इतनी भारी भी नहीं है, लेकिन यार इसको मैं थोड़ा नीचे ना ले जाऊंगा क्योंकि ना काफी महंगी चेयर है ये, तो इसका कुछ जुगाड़ देखता हूँ मैं, शायद इसको यहीं पे रखूंगा कपड़ा वपड़ा लगा के कुछ,
और शाम को अंदर कर दिया करूँगा, तो इसको शायद मैं नीचे नहीं ले जाऊँगा, यहाँ कहीं रख देंगे। और ये टेबल चारपाई और ये गद्दे तो बाहर रख देंगे, लेकिन ये टेबल जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ सेंटर में कर दूंगा, और बाकी वो पीछे का जितना भी सारा स्टोर रूम में जो भी रखा हुआ है, मतलब किचन है वैसे वो, लेकिन उसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, नीचे ले जाएंगे, ठीक है, जो भी काम का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस रूम में काफी सारा सामान है, छोटा छोटा। अगर मैं आपको ड्रॉअर के अंदर दिखाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा सामान है, तो मैंने डिसाइड ये करा कि मैं फटाफट से नीचे शिफ्ट करता हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इस रूम का कैसा है, मतलब खाली होने के बाद, और नीचे भी दिखाऊंगा मैंने कैसे सेटअप करा है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि रूम की हालत क्या है। तो देखो भाई इतना सारा सामान है, और ये तो सर मेरे पीसी का है, ठीक है। तो भाई अभी पीसी का सारा कुछ खोलना है, टेबल को खोलना है, ठीक है, ढंग से, और फिर ये सब कुछ नीचे ले जाना है, और ये टेबल को ना मुझे सेंटर में लाना है इधर, ठीक है, इस टाइल के पास में, ताकि यहाँ पे जो है वो काम कर सके, जो भी लेबर वगैरह आती है वो काम कर सके। और आप देख सकते हैं अभी ये जो रूम है ना उसमें पीछे स्टोर रूम पे बहुत सारा सामान था, तो वो भी जा रहा है एक करके, तो फटाफट से मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस शक्ल के पूरे 12 बज चुके हैं, और इस रूम में भी जो है आपको अब जो है आवाज़ गूंजने को मिल रही होगी, हालांकि दोस्तों नीचे भी गूंज रही थी, मैंने थोड़ा बोलने की कोशिश करती, लेकिन आपने देख लिया होगा कि मैं किस तरीके का सेटअप लगा रहा हूँ नीचे, ठीक है, मतलब कुछ जुगाड़ करूंगा भाई, वहाँ सिस्टम ऑन करूंगा, मतलब छोटी मोटी एडिटिंग करने के लिए काम आ जाएगा 2-3 दिन। और यही एक रीज़न है मेन कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, आप समझ जाओ कि अभी काम भी चलेगा, तो 2-3 दिन की बात हो रहा है भाई, तुम्हारा भाई एकदम रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, फिर वो चाहे व्लॉग्स में हो, चाहे लाइव स्ट्रीम में हो, चाहे गेम प्ले में हो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और एक बार मैं आपको रूम की कंडीशन दिखाता हूँ, देखो एकदम खाली हो गया है, ठीक है, पीछे तक देखो वो जो किचन था वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, वो अब बचा है बस ये मेन टेबल, ठीक है, ये टेबल बचा है, ये बहुत भारी है, तो इसको निकालने की तो भाई मैं कोशिश करने वाला हूँ ही, तो इसको मैं यहाँ पे जो मेरी चेयर है ना यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ सेंटर में इसको कर देंगे, ताकि काम करने में आसानी हो, और इसके ऊपर जो है ना कोई भी वर्कर जो है काम कर सकता है चढ़ के, तो भाई ये बहुत हैवी है। और ऊपर जो एसी है भाई वो उसको हम ढक देंगे, तो बस इस रूम में जो है बाकी कुछ बचा नहीं है, कुछ ही ग्रीन स्क्रीन वगैरह है ये मैं उतार दूंगा कल, ठीक है, छोटा मोटा जो भी रह गया वो कल कर देंगे। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अब जो है मैच बचा हुआ तो वो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पाकिस्तान भी काफी अच्छा खेल रही है, और खाना वाना मैं सब कुछ खा चुका हूँ, लेकिन हालत बहुत खराब हो गई है भाई, 12 बज गए, जाके ना नींबू पानी पीऊंगा तब एनर्जी आएगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।